अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने साफ तौर पर कहा, हैदराबाद शहर अलग अलग संस्कृतियों का संगम है। देश के अन्य राज्यों से आए लोगों को लगता है वे अपने पैतृक घर पर हैं। पिछले 9 वर्षों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या 3.25 लाख से बढ़कर 10 लाख हो गई है। मंत्री केटीआर ने आज हैदराबाद नॉलेज सिटी में वैश्विक वैकल्पिक निवेश संपत्ति सेवा CITCO की नई इकाई का उद्घाटन किया। मंत्री केटीआर ने कहा, यहाँ बकवास नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ कानून व्यवस्था सख्त होगी। मंत्री केटीआर ने कहा, शिक्षा अकादमिक नवाचार और पर्यावरण व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण है। यह इमेज टावर एनिमेशन गेमिंग मल्टीमीडिया के लिए सेंटर बनाया जा रहा है। कुल 18 एकड़ में फैला यह दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस होगा। सिडको ने इसके लिए हैदराबाद को चुनकर अच्छा काम किया है। सिडको मनीला में 35,000 लोग हैं, जबकि टोरंटो केंद्र में केवल 2,500 लोग हैं। हैदराबाद अमेजोन के सबसे बड़े परिसर, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, उबर, माइक्रोन, क्वालकॉम और हैदराबाद में दूसरा सबसे बड़ा परिसर है। केटीआर ने कहा, इसी क्रम में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा CITCO का कैंपस हैदराबाद में होना चाहिए। आइए इसे हकीकत बनाते हैं। TPCC प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर राज्य के अधिकारी TSPSC मामले की जांच अपने हाथ में लेते हैं तो मामले में तथ्य सामने नहीं आएंगे। सरकार ने बड़े लोगों को बचाने के उद्देश्य से SIT का इस्तेमाल किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा, मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर बेरोजगारों को ठगा है। प्रधानमंत्री ने संसद में जवाब दिया, 22.6 करोड़ आवेदन आए तो 7,22,311 नौकरियां दी गई। इसका मतलब यहाँ है प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, उन्होंने संसद के गवाह के रूप में बेरोजगारों को धोखा दिया है। भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने कहा, राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेताओं की जमीनों पर अवैध कब्जा बेकाबू होता जा रहा है। BRS नेताओं पर सरकारी जमीनों और परियोजनाओं के लिए आवंटित जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप है। कृषि मंत्री ने परियोजनाओं के लिए आवंटित भूमि पर कब्जा कर 3 फार्म हाउस बनाए हैं। पता चला है कृष्णा नदी के कैचमेंट एरिया में सरकारी जमीन हड़प कर फार्म हाउस बना लिया गया है। उन्होंने कहा, वनपर्ती जिले के चंडूरू मंडल में कृषि मंत्री ने 160 एकड़ में फार्म हाउस का निर्माण कराया है। आरोप है 80 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है और 160 एकड़ में फेसिंग लगा दी गई है। उन्होंने कहा, कृष्णा नदी के अंदर में 6 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार भी बनाई गई है। CM KCR इन पर कार्रवाई करना चाहते हैं। रघुनंदन राव ने खुलासा किया, मंडल में 21 अक्टूबर 2021 को तहसीलदार के कार्यालय में आग लगाई गई थी, जहां मंत्री द्वारा फार्म हाउस बनाया गया। तहसीलदार के कार्यकाल में आग लगाई गई थी तो पुलिस ने अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। CM KCR की दंपत्ति ने अपने 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी कर चुके अपने पोते हिमांशु राव को आगे पढ़ने और जीवन में ऊंचाई को छूने का आशीर्वाद दिया। सीएम के पोते और मंत्री KTR के बेटे हिमांशु राव ने वॉकरिस इंटरनेशनल स्कूल गच्चीबावली से 12वीं की पढ़ाई पूरी की और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया। वॉकरिस इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं का प्रमाण पत्र देने हेतु ग्रेजुएशन डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में CM KCR, शोभम्मा दंपत्ति, माता पिता KTR दंपत्ति, छोटी बहन आलेक्या और परिवार के कई सदस्य शामिल हुए। विद्यालय के प्रबंध ने पढ़ाई के दौरान खेलकूद, सांस्कृतिक क्षेत्र व समाज सेवा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिभा दिखाने वाले विद्यार्थियों को प्रतिभा पुरस्कार प्रदान किए। उसी के हिस्से के रूप में CM KCR कलवकुंटला के पोते हिमांशु राव को सामुदायिक गतिविधियों सेवा विभाग के महान प्रतिभा दिखाने के लिए CAS श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्टिफिकेट लेने के बाद हिमांशु फौरन मंच से नीचे उतरे और सर्टिफिकेट हाथों में रखकर अपने दादा CM KCR को प्रणाम किया और आशीर्वचन लिए। CM KCR ने पोते को दिल से बधाई दी। स्नातक दिवस के अवसर पर सम्मेलन कक्ष स्नातक छात्रों, उनके माता पिता और परिवार के सदस्यों से खचाखच भरा हुआ था। विद्यार्थियों के जयकारों से हॉल गूंज उठा। YSR तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष YS शर्मिला ने कहा, बेरोजगारों ने भले ही पहले आत्महत्या की हो, लेकिन अब बेरोजगारों की मेहनत पर पेपर लीक का पानी चढ़ा जा रहा है। उन्होंने प्रश्न पत्र को बेचने में शर्म नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की। वे TSPSC बोर्ड के अंतर्गत सामान बेच रहे हो,
टीएसपीएससी घोटाले के बाद 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। अब तक एक भी समीक्षा नहीं हुई है और ना ही कोई बैठक हुई। उन्होंने बेरोजगारों की कायर सत्तावादी पुलिस भेजने और बेरोजगारों को गिरफ्तार करने की आलोचना की। उन्होंने कहा केसीआर का मकसद घोटाले पर कार्रवाई किए बिना परीक्षा कराना, प्रश्न पत्र फिर से बेचना और बेरोजगारों को नौकरी पाने से रोकना। उन्होंने कहा वाईएसआर तेलंगाना पार्टी मांग करेगी टीएसपीएससी बोर्ड को तुरंत सुव्यवस्थित किया जाए। अगर केसीआर बेरोजगारों के प्रति ईमानदार है तो उन्होंने मांग की इस घटना की सीबीआई जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। शहर में मौसम समय समय पर करवट ले रहा है। जब मौसम सर्द होता है, जब गर्म होता है, ऐसे हालात होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। भारों की तपिश पर बारिश का कोई असर नहीं है। लोग बाहर आने के लिए डर रहे हैं। सुबह 10 बजे तक सूरज तपिश दे रहा है। आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है। डॉक्टर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। तेलंगाना के साथ साथ संयुक्त रंगारेड्डी जिले में भी सूरज चमक रहा है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। आदिलाबाद जिले के छपराला और भदादरी कोठागुटम जिले के जलुरुपाडू में सबसे अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बढ़ते तापमान के कारण राज्य भर में लू लगने से मंगलवार को 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 मंचुरियाला जिले में और 1 नरवल जिले में कार्यरत हैं। काम के सिलसिले में बाहर निकले लोग धूप की तापिश से कांप रहे हैं। मानू के घमंड में आकर किसानों ने कई जगहों पर धान की कटाई बंद कर दी है। धान कटाई की मशीन नहीं होने से धान के गिरने की चिंता किसानों को सता रही है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में धूप तेज होगी और मई के अंत तक धूप की तीव्रता ऐसी ही रहेगी। आईएमडी ने स्पष्ट किया है कि हवा में नमी कम होने से दिन का तापमान अधिक दर्ज किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उगते सूरज की पृष्ठभूमि में ग्रीष्मकालीन विशेष कार्य योजना लागू करने के आदेश के बावजूद आरोप है कि संबंधित विभाग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और पैरामेडिकल स्टाफ को कड़ी धूप को देखते हुए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में प्रशिक्षण देना है और विशेष बिस्तरों की व्यवस्था की जानी है। सनबर्न पीड़ितों के लिए ऐसी आलोचनाएं हैं कि इसमें से कोई भी बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया गया है और ऐसा नहीं लगता है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लोगों को लू लगने की चेतावनी समय समय पर देने के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में ओआरएस के पैकेट उपलब्ध कराने के फैसले को लगभग कहीं भी लागू नहीं किया जा रहा है। वही दूसरी ओर विशेषज्ञ वातानुकूलित कमरों में ज्यादा समय नहीं बिताने और फिर धूप में निकलने की चेतावनी देते हैं या फिर 40 डिग्री की चिलचिलाती धूप में 18 डिग्री से कम तापमान वाले वातानुकूलित कमरों में वापस चले जाते हैं एक ही समय पर और कुछ तो तेज धूप से निकलने के तुरंत बाद ही स्नान कर लेते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है। शरीर में अचानक तापमान में उतार चढ़ाव के कारण यह सनबर्न का कारण बनता है। डॉक्टर का कहना है कि धूप से निकलने के बाद कमरे में तापमान में कुछ देर कमरे में बिताए, तुरंत एसी न लगाए और न ही नहाए। अगर आप धूप की वजह से घर पर हैं तो भी यह तय है कि आपको गर्मी लगेगी। ऐसे समय में शरीर का सारा पानी पसीने के रूप में निकल जाता है। डॉक्टर का कहना है कि बहुत से लोग घर पर रहने के इरादे से तरल पदार्थ नहीं लेते हैं, नतीजतन शरीर का सारा पानी खत्म हो जाता है और अतः सनबर्न हो जाता है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी लड़ाई के लिए युद्ध का बिगुल बजाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा चिकड़पल्ली में छात्रों ने 5 रुपए का भोजन कर खूब पढ़ाई की। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा बेरोजगार और छात्र नहीं है तो तेलंगाना नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो 1200 करोड़ रुपए का सचिवालय की भी जरूरत नहीं है। सीएम पद नहीं है, प्रगति भवन नहीं है। वह टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनने सभी पार्टियों को एकजुट किया।
सरूनगर भाजपा कॉरपोरेटर अकुला श्रीवानी ने एलवीनगर सीसीएस से शिकायत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने मांग की इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरूनगर भाजपा कॉरपोरेटर अकुला श्रीवानी ने एलवीनगर सीसीएस से शिकायत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने मांग की इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीपीसीसी प्रवक्ता अंदक्की दयाकर ने कहा राज्य के राजनीति को सबसे महंगा बनाने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। आरोप है केसीआर ने प्रदेश की राजनीति को बदबूदार बना दिया है। उन्होंने कहा कैडर मजबूत होने के कारण कांग्रेस पार्टी पैसे पर विश्वास नहीं करती है। उन्होंने आलोचना की सीएम केसीआर को दलितों से कोई प्यार नहीं है और वह पाखंडी नाटक दिखाते हैं जैसे वह दलितों से प्यार करते हैं। गंगा पुष्कर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से वंदे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू हो गई है। यह ट्रेन सिकंदराबाद से रवाना होगी और सबसे पहले पुरी पहुंचेगी, वहां से छूटकर काशी पहुंचेगी। रंगारेड्डी जिला चेवेल्ला मंडल के तंगड़पल्ली गांव में वार्ड सदस्य नईम खान भाई द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दावत इफ्तार में मुख्य अतिथि के रूप में शांति देवी अक्का शामिल हुई। कार्यक्रम में इरफान फयाज गयास और अन्य ने भी शिरकत की। रंगारेड्डी जिला चेवेल्ला मंडल के तंगड़पल्ली गांव में वार्ड सदस्य नईम खान भाई द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दावत इफ्तार में मुख्य अतिथि के रूप में शांति देवी अक्का शामिल हुई। कार्यक्रम में इरफान फयाज गयास और अन्य ने भी शिरकत की। देश को आजाद हुए भले ही 76 साल हो गए हो, लेकिन दलित बहुजन जातियां जो अभी भी सत्ता से दूर है, बहुजन जातियों को एकजुट कर राज्य सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस पर प्रसाद गौड़ ने रूबरू के दौरान कहा हमारा वोट हमारी सीटें हमारी ताकत के नारे के साथ अगले चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेलंगाना VRA राइट्स एक्शन कमेटी के नेताओं ने सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर द्वारा दिए गए वादों को तुरंत लागू करने की मांग की है। मुनुगोड़ उपचुनाव के बाद VRA को बढ़ावा देने और वेतनमान लागू करने की बात कहने वाले मंत्री केटीआर ने अपनी चिंता व्यक्त की है। 5 महीने बीत जाने के बाद भी गति नहीं पकड़ी जा रही है। VRA की भविष्य की गतिविधियों पर सुंदरैया विज्ञान केंद्र लिंगमपल्ली हैदराबाद में एक व्यापक बैठक आयोजित की गई। साधना समिति के अध्यक्ष विजय ने कहा वे पूरे राज्य में 23,000 VRA को एकजुट कर उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब भी राज्य सरकार के आश्वासन पर वे जियो को मुक्त कर उस पर अमल करना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी आगामी चुनाव में VRA का उनके कर्तव्यों से बहिष्कार किया जाएगा। माला महानाडू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चेन्नैया ने दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार कब्रिस्तानों का निजीकरण कर ब्यागारी जाति समुदाय के साथ अन्याय कर रही है। हैदराबाद के इंद्रपार्क धरना चौक के पास माला ब्यागारियों ने राज्य सरकार के रवैये के विरोध में महाधरना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चेन्नैया इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि राज्य में हर कब्रिस्तान पर निजी व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है और काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कोरोना की विकट परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन की गिनती किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने मांग की है कि हिंदू कब्रिस्तानों को निजी एजेंसियों और ठेकेदारों को सौंपने के बजाय उन्हें विकसित कर दिया जाए। ग्रेटर हैदराबाद संयुक्त रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के माला ब्यागारी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मन्ने श्रीधर राव ने सरकार से सवाल किया उनके पेशे का निजीकरण करना कितना उचित है जो ब्यागारी जाति पर रहते हैं। उन्होंने मांग की है कि माला ब्यागारी श्रमिकों को पहचान पत्र दिया जाना चाहिए और स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाना चाहिए। क्या हैदराबाद सिर्फ नाम की स्मार्ट सिटी है? सड़कें, IT कंपनियां, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। क्या शहर में पानी की समस्या का समाधान है? प्यास के साथ कितने साल तक गली मोहल्ले वालों को समय बिताना पड़ रहा है? असली गलती स्थानीय अधिकारियों की है। जल स्रोतों का अभाव। दिन ब दिन पानी की आपूर्ति में कम दबाव की समस्या हैदराबाद शहर को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। चिलचिलाती धूप के साथ पानी की खपत बढ़ गई है। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शहर एक निश्चित आधार पर पानी की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भूजल के कारण घरों के सभी बोरहोल सूख रहे हैं। अब तक जिन लोगों को उनके घरों में जल स्रोतों और बोरहालों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी की आपूर्ति होती थी, वे अब मुश्किल स्थिति में हैं।
जहां कई बस्तियों और कॉलोनियों के निवासी अपर्याप्त जलापूर्ति से जूझ रहे हैं। वहीं ऊपरी क्षेत्रों के निवासियों को पानी की आपूर्ति धीरे धीरे पूरी तरह से कम हो गई है। कई कॉलोनियों और बस्तियों के लिए सिर्फ पानी की टैंकर है, उनकी आपूर्ति भी सीमित है। पेयजल की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है। ఇక్కడికి వర్షప్ నీరు చేరుకోవడం జరుగుతుంది. ఇందులో బాంగాటు వికారాబాద్ కావచ్చు, వికారాబాద్ లాంటి ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడ ఎక్కడికైతే ఇక్కడికి మూసీ నుంచి కావచ్చు, అలాగే మూసీ ఈసీ నదుల నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడికి వాటర్ కూడా చేరుకోవడం జరుగుతుంది. ఇందులో బాగానే గత 3 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల కూడా ఇక్కడికి వాటర్ చేరుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం మనం గడ్డిపేట చెరువు జలమండలి అధికారులు చెప్పిన నేపథ్యం ఉంది. మనం చూసుకున్నట్టుగా ప్రెసెంట్ లెవెల్ అయితే 1786 ఫీట్ కి రావడం జరిగింది. అంటే మరొక 4 ఫీట్ల వరకు కూడా వస్తే మాత్రం ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ కి కూడా చేరుకోవడం జరుగుతుంది. సో టోటల్ గా 3.9 టిఎంసీ కెపాసిటీ ఉన్న ఈ ఉస్మాన్ సాగర్ కి సంబంధించి ప్రస్తుతం 3.008 టిఎంసీ వాటర్ ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది. ఇన్ఫ్లో కి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ఫ్లో ఎగువ నుంచి 200 క్యూసెక్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. అవుట్ఫ్లో 2 గేట్ల ద్వారా కూడా 208 క్యూసెక్స్ కూడా బయటకు పంపించడం జరుగుతుంది. మన విజువల్స్ చూసుకున్నట్టయితే కూడా 2 గేట్ల ద్వారా కూడా కిందికి మూసీలోకి కూడా వరదను పంపిణీ. सीपीएम पार्टी ने बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे पदयात्रा के दौरान लगाए. उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ देश की दौलत बेचने का आरोप लगाया. सीपीएम नेताओं ने कहा मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार पूरी तरह से जनता के खिलाफ शासन कर रही है और मजदूर विरोधी नीतियां अपना रही है. मेडचल जिले के कुतबुल्लापुर केपीएचपी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में सट्टा गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है. मादापुर एसओटी पुलिस ने सट्टा लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से महिंद्रा XQUV कार, 19 सेलफोन, 2 लैपटॉप, कम्युनिकेटर बोर्ड और 20 लाख नकद जब्त किए गए हैं. बालानगर DCP श्रीनिवास राव ने कहा आरोपी कोनागंटी हरी चैतन्य मेहर चौधरी मडाला अवनेन्द्र और डेगाला राजेश ने आसान तरीके से पैसे कमाने के आदी थे और सट्टेबाजी में शामिल थे. DCP ने चेतावनी दी अगर कोई असामाजिक गतिविधियों में शामिल होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हैदराबाद के बंजारा हिल्स DAV पब्लिक स्कूल में पिछले साल LKG में पढ़ने वाले एक छात्रा के साथ ड्राइवर द्वारा यौन शोषण की घटना से हड़कंप मच गया है. इस क्रम में अदालत ने DAV स्कूल कांड में दोषी को सजा सुनाई. नामपल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में रश्मि कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. जहां यह घटना पिछले साल 17 अक्टूबर को हुई थी, वहीं आरोपी रजनी कुमार को पुलिस ने 19 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था. रजनी कुमार प्रिंसिपल के कार ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था और उसने इस घटना को अंजाम दिया. हालांकि 6 महीने की जांच और मुकदमे के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई. बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 स्थित DAV स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल माधवी के कार ड्राइवर रजनी कुमार ने LKG की 4.5 साल की बच्ची के साथ 2 माह तक यौन शोषण किया, इसकी शिकायत की. उन्होंने प्राध्यापक को भी हिरासत में लिया. उसके बाद जब असली बात सामने आई तो पुलिस मौके पर आई और रजनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल माधवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. स्कूल भी बंद कर दिया गया. बाद में तेलंगाना सरकार ने छात्रों के माता पिता के निर्देश पर स्कूल को अनुमति दे दी. यह घटना उस समय सनसनी बन गई थी.